हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिस्को आईओएस के वर्जन नंबर्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सिस्को आईओएस के बहुत से वर्जन रिलीज़ हो चुके हैं। हर नए वर्जन में कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर नए वर्जन में कुछ नई चीज़ हो। कई बार प्रीवियस वर्जन की बग्स को फिक्स करके भी मॉडिफाइड वर्जन को लॉन्च किया जाता है। सिस्को की कुछ रिलीज़ कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में हमको जानना आवश्यक है, जैसे कि एलडी डिप्लॉयमेंट। इस कैटेगरी में जितने भी रिलीज़ किए जाते हैं वो सब नए फीचर्स और नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, साथ ही उसमें पुरानी बग्स भी सॉल्व होती है। नेक्स्ट, लिमिट डिप्लॉयमेंट। इस कैटेगरी में जितने भी रिलीजेज होते हैं उनमें कोई भी नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड नहीं होती है, केवल पुराने वर्जन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, जनरल डिप्लॉयमेंट। इस कैटेगरी की सभी रिलीजेज सभी प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करती हैं, ये सभी सिस्को डिवाइसेस के लिए कॉमन होती हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट। इस कैटेगरीज की सभी रिलीजेज एडिशनल मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। आईओएस वर्जन नंबर्स पैटर्न। फ्रेंड्स, हर रिलीज कैटेगरी में बहुत से वर्जन्स रिलीज किए जा चुके हैं। सिस्को हर नए वर्जन्स को इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम्पल iOS 12.4 की तीसरी रिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी एक ट्रेन आइडेंटिफायर है। ट्रेंस iOS वर्जन के मार्केट को डिफाइन करते हैं। इसे एक सिंगल लेटर से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर टी का मतलब टेक्नोलॉजी से है। इस तरह के वर्जन हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहते हैं। और अगर यहाँ पर ई होता है तो ई का मतलब इंटरप्राइज से है। इंटरप्राइज लेवल डिवाइसेस के लिए जो फीचर्स रिलीज़ किए जाते हैं उन्हें इस ट्रेन से डिफाइन किया जाता है। और अगर यहाँ टी की जगह एस होता है तो एस का मतलब सर्विस प्रोवाइडर से है। सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड फीचर्स के रिलीज़ को डिफाइन किया जाता है। फ्रेंड्स, सिस्को डिवाइस पर कंसोल के द्वारा आईओएस वर्जन देखने के लिए हम शो वर्जन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिस्को आईओएस राउटर्स और सीरीज में एक फ्लैश ड्राइव की बिन फाइल में स्टोर रहता है। इस बिन फाइल में आईओएस वर्जन कुछ डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें C2600 सिस्को हार्डवेयर नेम होता है और IK9S फ्यूचर सेट है। M मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है और Z कंपैरिजन फॉर्मेट ऑफ फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, 121 ये मेंटेनेंस रिलीज नंबर होता है। और नेक्स्ट, 3 इंडिविजुअल रिलीज नंबर होता है। और टी का मतलब ट्रेन आइडेंटिफायर होता है। तो फ्रेंड्स, ये था सिस्को आईओएस के नंबर्स ऑफ वर्जन्स के बारे में। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।